This is a short detailing video of MT-15 and its comparison between the R15 and FZ. तो सबसे पहले प्राइस से शुरू करते हैं. आपको R15 दो ऑप्शन में मिलेगा, विथ ABS एंड स्टैंडर्ड ऑप्शन, जिसमें विथ ABS आपको 1,39,000 ex-showroom प्राइस मिलेगा और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट इसका है वो आपको 1,27,000 ex-showroom प्राइस मिलेगा. वहीं MT-15 के तरफ देखें तो आपको इसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मॉडल मिलेगा और वो सिंगल चेन ABS के साथ है और ये आपको 1,36,000 ex-showroom प्राइस मिलेगा. वहीं FZ की तरफ देखा जाए तो ये दो ऑप्शन में मिलता है, FZ एंड FZS, जिसमें 95,000 एंड 97,000 2,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. आफ्टर द प्राइस वेरिएशन लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी. तो R15 आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देता है, वहीं MT-15 एक लीटर कम आपको 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक देता है और FZS का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12.8 लीटर है. इसके बाद अगर इसके कर्व वेट के बारे में बात किया जाए तो R15 और MT-15 ऑलमोस्ट सेम है. R15 139 kg का है और MT-15 138 kg का, पर वहीं अगर FZS के बारे में बात करें तो वो आपको 148 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है. ग्राउंड क्लियरेंस इज रियली डिसअपॉइंटिंग. आपको MT-15 में मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm का देखने को मिलता है, वहीं FZ में आपको 10 ज़्यादा 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है और R15 में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है. अगर एक R15 के नेकेड वर्जन के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो 15 mm का लेस ग्राउंड क्लियरेंस आपको MT-15 में देखने को मिलता है. अब बात करते हैं सीट हाइट के बारे में. तो 815 mm R15 का सीट हाइट है, FZ का 790 और MT-15 का 810 mm. सो दिस इज अ शॉर्ट डिटेलिंग वीडियो ऑफ MT-15 एंड कंपैरिजन ऑफ R15 एंड FZ. होप सो यू लाइक द वीडियो. और आने वाले समय में मैं MT-15 के वीडियो फुटेज के साथ R15 और FZ का कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा. सो टिल देन स्टे कनेक्टेड to this channel.